ओ पढ़ लिए टीचर का? टीचर अपने घर गई है। चलो फिर हम लोग ना उधर बैठते हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए हो? खाना तो नहीं खाना आप लोगों ने? चेयर थोड़ी साथ करो ऐसे। ओ ये किसकी चेयर है? ये बास की है? किसकी है? अच्छा जी चलो बास उधर बैठ जाओ। आप आवाज बेबी कौन? अच्छा पढ़ लिए तो फिर बैग उतार दे, बैग उतार दे तेन। चलो इधर आओ जल्दी से, अच्छे बच्चे बन जाओ। ओ बड़ा बच्चा, वाह जी वाह, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। ये किसका इतना प्यारा बच्चा है? अच्छा क्या पढ़ के आए हो? ये बैग तो इधर चेयर पे रखो बेटा, इधर रखो। हसन जब आप दोनों गंदे बच्चे हो। अच्छा हो तो नहीं रहा हूँ रजत, क्या क्या पढ़ के आए हो आप दोनों बताओ मुझे, क्या पढ़ के आए हो? इधर आओ ना। पढ़ा क्या है? प्ले गिफ्ट मिला है आपको? हसन जब ये क्या हो रहा है, क्या करेगी? खाना खाएं हम दोनों, तीनों खाना खाएं नीचे जाके आपकी पुप्पो के साथ। किसकी पुप्पो है वो? अच्छा जाओ, किसकी पुप्पो है वो? पुप्पो है जाओ, रिश्वत की पुप्पो है। हसन आप बहुत गंदे बच्चे, आपको प्यार करती है वो। आप किसको करते हो? आप किसको प्यार करते हो? मुझे बस मुझे मैं करता हूं आपको। अरे बाजी से कौन करता है? बाजी से प्यार कौन करता है? इधर देखो बाजी से मैं करता हूं। अच्छा मैं बजात नहीं, बाजी से प्यार कौन करता है? नहीं बाजी से प्यार कौन करता है? हसन हसन इधर देखो ना, इधर देखो आगे लोग आज और अब लंच करना है पुप्पो के साथ। आप लॉगिंग करना भूल गए, आपने तो सीखी थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कौन बोलेगा? पार्टी रह गई है बस। अच्छा और मम्मा को तंग करना है? नहीं करना करना है। पुप्पो को तंग करना है? और चले फिर नीचे। चलो जी पापा के साथ मैं भी चलो नीचे आ जाओ फिर तुम दोनों में साथ, आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। आपके फेवरेट हैं ये? चलो दोनों में इधर देखो। हसन कौन से फेवरेट हैं आपके? मोटू कौन से? आलू फेवरेट है। आलू और पराठा भी ये आलू का बनवाया था इसने। और मैं अब अपने हाथों से अपने बेबी को एक बाइट दूंगी और अब एक रजत बेबी को। रजत बेबी भी आज मेरे पास है, आज नानो घर नहीं गया। इधर 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 छोटा सा बेबी रजत, इंसल्ट कर रहे हो मेरी। इधर क्या
चस आ गई है। ओके चस आ गई है। कैसे बोलते हो तुम? व्लॉगिंग जरा स्टार्ट करना। चलो चस आ गई चस। इस चीज की खाना तो बहुत ही बढ़िया है। चस आ गया। ये तो बढ़िया है। चीज तो बढ़िया है। रोटी छोटी खा ली है। चलिए कम के। चलिए कम के। चलो कौन सा काम? अपनी ना स्टडी करो। चलो आज का लोग आज हम जीन की चटनी बनाने आप कैसे हो गए? हम ये चटनी है एक और ये देखो ये देखो आप ना हो गई है ये देखो जीन की जीन चलो फिर चले किचन में। ठीक है चलो हसन ये डालो आप इसमें। मेरा ये चटनी है। हाँ एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो वो ये हमारी इंजीर भी इसमें आ गई है। मैंने लग की है तो ये अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं रजब और हसन के साथ मिलके ना ये चटनी बना रही हूँ। खुबानी अनार का जूस हो ना वो भी ठीक है। तो मैंने तो घर में ही निकाल लिया था अनार, मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था तुलसी का। और साथ में ये मैंने खुबानी और अंजीर दोनों चीज़ों को ना मैंने ओवर नाइट भी खो के रख दिया था। उसके बाद मैंने सुबह इनको जो अंजीर थी उन्हें मैंने अलग कर लिया और उसी के पानी में जो पानी था ना उसी में मैंने उसे ब्लेंड कर लिया था। तो खुबानी मैंने ऐसे ही रख ली थी, अंजीर जो है उसे मैंने ब्लेंड कर लिया था और ये अनार जो थे इनका भी मैं जूस बना के तो साथ ही मैंने जूस को ऐड कर दिया था। थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली, ये चार चीज़ें मैंने ऐड की थी। साथ में मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया था। और ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग रमज़ान में ज़रूर बना के रखें। ओ तो चटनी बननी स्टार्ट हो चुकी है सर। असम सर इधर तो देखो क्या बना रहे हो? तो यहाँ पर सिलेंडर पे मैं बना रही थी चटनी और इसे मैंने ना फिर 20 से 25 मिनट के लिए ना ढक्कन दे के ना रख दिया ताकि खुबानी जो है ना वो अच्छे से पक जाए। और यही मेरे पास फिर रजब आ गया था। आप बना रहे हो? तो जी यहाँ पे हमारी खुबानी की चटनी थी जो वो रेडी हो चुकी थी और इसी तरह से चखते चखाते जो है वो खुबानी थोड़ी कम हो गई। लेकिन ये है कि अभी हम इसे एक बहुत ही खूबसूरत से जार में निकालेंगे और फिर इसे गार्निश करेंगे बादाम और पिस्ते के साथ। और इसी के साथ ही फिर हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ ही हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे बोलने पे ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। रमज़ान में ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये, हम लोग तो रमज़ान में दोबारा बनाएंगे। ये तो बस ख़त्म हो गई, आज जिस चीज़ के साथ हम लोगों ने ये खाई है ना उसकी रेसिपी भी आपको कल मिल जाएगी। गोला कबाब बनाए थे मैंने और झटपट में ही ख़त्म हो गई, रात को बनाए। अभी मैं साथ ही वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस टाइम ये है कि बस थोड़ी सी पड़ी है चटनी
जो बहुत मज़े की लगती है। घर में पकौड़ों के साथ भी आप रमज़ान में बहुत मज़ा देगी। तो जी चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।